नमो नम श्री शिवा शिवम शंकरम शंभुमीशान मीड़े इस आसार रूपी संसार में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नियंत्रित करना और उस कार्य को सफल परिणाम पूर्वक या सफलता पूर्वक संपूर्ण करना अत्यंत दुविधा का कार्य है कहते हैं कि किसी भी कार्य को तन मन धन भक्ति और शक्ति के संकल्प से करें तो वह कार्य संपूर्ण रूप से सफल होता है मेरे पिताजी श्री निर्मल रामनाथ शर्मा जी मेरे दादाजी श्री निर्मल अम्बैया सिद्धांति जी के प्रारंभ किए गए श्री पार्थिव महालिंगार्चन कार्यक्रम को सुचारू रूप से भक्तगणों एवं बंधु मित्रों की सहायता से आयोजित करते आ रहे हैं कई वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं दो पिछले दो वर्षों से इस महालिंगार्चन कार्यक्रम को बाबा विश्वनाथ की पुण्य नगरी काशी महाक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में उमा पार्थिवेश्वर स्वयं प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं इसी कारण यह पूजा अतीव वैभवशाली है प्रतिदिन मध्यान्ह आरती में उमा पार्थिवेश्वर की छवि का दर्शन हो रहा है यह छवि भक्ति में समा कर देखने वालों को अत्यंत आह्लादित करती है कर भी रही है साधारणतः उमा पार्थिवेश्वर की प्रतिमा कोई भी प्रतिमा नहीं है यह मन में प्रतिबिंबित है आप सभी प्रतिदिन की आरती को पुनः देखें, कुछ ही क्षण में आँखों के सामने एक अत्यंत प्रकाशमान छवि दिखाई देगी लोग इस पूजा के पूजा को जीवन में एक बार देख पाते हैं और कुछ लोग कभी नहीं किंतु प्रतिदिन अलग अलग रूप में अलग अलग रूपों में दर्शन होना हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है हम सभी ने कुछ तो पुण्य कर्म किए होंगे जो कि ऐसे स्वर्णिम महापूजा के भागी एवं पात्र बन रहे हैं इस पूजा को दो वर्षों से हमारे पूज्य पिताजी श्री निर्मल रामनाथ शर्मा जी एवं मेरे भाई श्री निर्मल अम्बैया सिद्धांती आराध्य शर्मा जी सुचारू रूप से श्री काशी महानगरी में आयोजित करते आ रहे हैं उमा पार्थिवेश्वर एवं मेरे भाई की कृपा से एवं मेरे माता पिता की कृपा से हम सभी इस पूजा के प्रत्येक भाग का लाभ उठा रहे हैं इस पूजा का समापन दंडी महात्माओं की भिक्षा सत्कार आदि से संपन्न हुआ होता आ रहा है पार्थिव महालिंगार्चन की समाप्ति नहीं हुई यह तो आगामी वर्ष का प्रारंभ है पार्थिव महालिंगार्चन की समाप्ति नहीं हुई यह तो आगामी वर्ष का प्रारंभ है हमारा सौभाग्य आगामी वर्ष का प्रारंभ देख रहा है जो निमजन से प्रारंभ होता है प्रतिदिन पूजा के लिए उमा पार्थिवेश्वर जी का अलंकरण हरिद्रा कुंकुम गुलाल भस्म फूल बेलपत्री फल एवं विविध प्रकार के अनाजों से हमारे हृदय को झकझोर रहा है प्रतिदिन उमा पार्थिवेश्वर जी नए रूप में उपस्थित हो रहे हैं कभी अर्धनारीश्वर रूप में कभी त्रिनेत्र रूप में कभी कर्पूर के समान गौरवर्ण में काशी महानगरी में होने के कारण यह पूजा काशी महानगरी में होने के कारण प्रतिदिन वे चिता भस्म में लिपटे हुए प्रतीत हो रहे हैं यह पूजा काशी महानगरी में आयोजित होने के कारण उनमें तैंतीस करोड़ देवताओं का वास भी हुआ है प्रतिदिन शंख घंटा एवं डमरू की ध्वनि हमारे हृदय को कंपित कर हमारे मन में सात्विक भावना उत्पन्न कर रही है यम यम, यम यक्षप दश दिशि विदितम भूमि सम संहार मूर्तिम शिर शेखरम चंद्र चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृत नख मुखम चोर्धरोम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सतत भैरवम क्षेत्रपालम काशी की रक्षा करने वाले काशी महानगरी की रक्षा करने वाले काल भैरव क्षेत्रपाल भैरव एवं महाकाल भैरव मेरे भाई श्री निर्मल अंबैया सिद्धांती आराध्य शर्मा जी की रक्षा हमेशा करते रहे और शर्मा अम्बैया आराध्य शर्मा जी हम सभी कुटुंब की रक्षा करते रहे आशा करती हूँ कि मेरे भाई निर्मल अम्बैया सिद्धांती आराध्य शर्मा जी मेरे दादाजी एवं मेरे माता पिता की आशीर्वाद से माता पिता के आशीर्वाद से सौ वर्षों तक इस भव्य पूजा का समारोह इस भव्य पूजा समारोह का आयोजन इसी प्रकार सुचारू रूप से करते रहे धन्यवादु <Dhanyavadu>.